आपने अक्सर ऐसी घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें किसी का संभाल कर रखा पैसा दीमक चट कर गए, या घर में रखी रकम को सेंध लगाकर चोर ले उड़े। फिर नोटबंदी, जिसे जानकार नोट बदली भी कहते हैं, हो गई तो बैंकों की लाइन में लगना पड़ता है। पर इन सब से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है बैंक अकाउंट, क्योंकि वहाँ एक तो नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है और दूसरा पैसे सुरक्षित रहते हैं। हेलो, मैं हूँ मेधा और आप देख रहे हैं जोश भाई। आमतौर पर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में डालने चाहिए, या फिर बैंकों के FD, RD के ऑप्शन सुरक्षित माने जाते हैं। पर कई लोग होते हैं जो अपने पैसों को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे बैंक्स के बारे में जो सेविंग बैंक अकाउंट पर बढ़िया इंटरेस्ट देते हैं। अब PM जनधन योजना के चलते लोगों को बैंक अकाउंट खोलने की सहूलियत तो मिल गई है, तो मैं रिलैक्स हूँ कि अब मुझे बैंक अकाउंट खोलने का तरीका नहीं बताना पड़ेगा। पर हल्का फुल्का समझ लीजिए कि सेविंग बैंक अकाउंट कई तरह के होते हैं। बेसिक सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट, सेविंग प्लस अकाउंट आदि। अकाउंट्स के टाइप के हिसाब से अलग अलग तरीके के सर्विसेज लोगों को मिलती हैं। इसके अलावा आप सिंगल या जॉइंट सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। अब जिस काम के लिए ये वीडियो बनाया है वो तो कर लें। कोई भी बैंक अपने यहाँ खोले गए अलग अलग अकाउंट्स पर अलग अलग इंटरेस्ट देता है। सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट भी बैंक तय करते हैं। RBI के नियमों के अनुसार बैंक डेली बेसिस पर ब्याज तय करते हैं। कुछ बैंक तिमाही तो कुछ छिमाही आधार पर आपके अकाउंट में ब्याज का पैसा डालते हैं। इतना ही नहीं, आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा होगा उसके हिसाब से ये तय होगा कि आपको इंटरेस्ट किस रेट पर मिलेगा। अगर 1 लाख तक का अमाउंट होगा तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख से 5 लाख के बीच थोड़ा ज्यादा, 5 से 10 लाख के बीच और ज्यादा, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच थोड़ा और ज्यादा, और 1 करोड़ से ज्यादा होने पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक सेविंग अकाउंट पर अमूमन 2 से 7% तक के बीच का इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे बैंक्स के बारे में जो सेविंग अकाउंट पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। पहले नंबर पर है येस बैंक। बैंक अपने ग्राहकों को 4 से 6.25% का इंटरेस्ट दे रहा है। अकाउंट में 1 लाख रुपए तक होने पर 4%, वहीं 1 से 5 लाख रुपए के डिपॉजिट पर 4.25%, 5 से 10 लाख रुपए के डिपॉजिट पर 5%, 10 से 25 लाख रुपए के डिपॉजिट पर 5.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। 25 लाख से 1 करोड़ रुपए के डिपॉजिट पर 6%, 1 से 10 करोड़ रुपए के डिपॉजिट पर 6.25% और 10 से 25 करोड़ रुपए के डिपॉजिट पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक हर क्वार्टर के आखिरी दिन यानी 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को सेविंग खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट करता है। DCB बैंक ने 8 मई को अपने सेविंग खाते की ब्याज दरों में इजाफा किया था। ये उन चुनिंदा बैंक्स में से है जो अपने ग्राहकों को बचत खाते पर अधिकतम 8% मतलब 8% तक का ब्याज ऑफर करते हैं। सेविंग खाते में 1 लाख रुपए रखने पर आपको 2% ब्याज दर मिलेगी, 1 से 2 लाख के डिपॉजिट पर 3.75%, 2 से 5 लाख रुपए के डिपॉजिट पर 5.25% और 5 से 10 लाख रुपए के डिपॉजिट पर 6.25% रेट से ब्याज मिलेगा। वहीं 10 से 50 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 7% ब्याज मिलेगा, 50 लाख से 2 करोड़ के बैलेंस पर 7.25% का इंटरेस्ट DCB बैंक देता है। वहीं अकाउंट में 10 से 200 करोड़ के अमाउंट होने पर बैंक 8% तक का इंटरेस्ट भी देता है। अब आती है बारी RBL यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड की। ये बैंक अपने ग्राहकों को 4.25% से 6.50% इंटरेस्ट रेट पर पैसे देता है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जिन ग्राहकों के खाते में 1 लाख रुपए तक है उन्हें 4.25% रेट पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, 1 से 10 लाख रुपए पर 5.50% और 10 से 25 लाख रुपए पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, 25 लाख से ऊपर पर 6.50% इंटरेस्ट रेट रहेगा।
बैंक हर क्वार्टर की आखिरी तारीख पर अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करता है। कोटक महिंद्रा बैंक ने सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को दो कैटेगरी में बांटा है। जिन ग्राहकों का बचत खाते में 50 लाख रुपए से कम का डिपॉजिट है उन्हें 3.5% और 50 लाख से ज्यादा अकाउंट में अगर आपके बैलेंस है तो 4% इंटरेस्ट ऑफर करता है। वही एनआरई या एनआरओ अकाउंट पर 3.5% इंटरेस्ट ग्राहकों को मिलता रहेगा। इस लिस्ट में एक और प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक का नाम भी शामिल है। ये बैंक सेविंग अकाउंट पर अधिकतम 6% तक का सालाना ब्याज दे रहा है। अगर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जमा है तो 5% और 1 लाख से कम जमा है तो 4% ब्याज ऑफर किया जा रहा है। अगर आपके खाते में 10 लाख से ज्यादा रकम जमा है तो 6% के हिसाब से ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट पर अच्छा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो आप इन बैंक्स में अपने पैसे रख सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए जोश मनी। शुक्रिया।